सिड, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गए। यहां पर सब बहुत परेशान हो रहे थे। क्या जरूरत थी ट्रेन में जाने की? तुमने तो हम सबको डरा दिया। प्लीज इसे थोड़ा और डांटो। मैंने भी इतना मना किया था पर कमाल है नानी माँ, एक तो इतनी चोट लगी है मुझे, ऊपर से सब लोग मुझे ही डांट रहे हैं। देख रही हूँ, सब देख रही हूँ, कोई नहीं डांटेगा मेरे जमाई को, कोई नहीं। कह देती हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है कि वो सही सलामत वापस आ गया है। जानती है नानी माँ ये क्यों हुआ है? क्योंकि पहली बार मेरी सासू माँ ने मेरे लिए दिल से प्रार्थना की है ना सासू माँ? माँ मैं जरा थक गई हूँ, I'll just go and sleep now. Good night everybody. पागल है मेरी बेटी, दिल में इतना प्यार है पर पता नहीं क्यों बोलने से हिचकिचाती है। नानी माँ मैं तो हमेशा से जानता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास आप जैसे ससुराल वाले हैं। काला सच में लकी है, वरना ऐसे ब्लास्ट के बीच से भी कोई बच के वापस आ सकता है क्या? ये सब इसका नाटक है सिमी, ये गलत मोमेंट का फायदा उठा रही है। मैं इसे समझाने के लिए आया था तो इसने मेरा हाथ अपने गर्दन पे रखा, तो मुझ पे शक कर रही हो? और तो और इसने पूरा का पूरा किडनैपिंग का ड्रामा खुद से प्लान किया था, खुद से। जानती हूं, सब जानती हूं, लेकिन राजी आप बताइए ना, हमने जो उस बच्ची के साथ किया है वो क्या है? बोलिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूं। जब तक तुम अपने आप को दोषी मानती रहोगी कुछ नहीं हो सकता है। ये लड़की इसी तरह से बिगड़ती रही। देखो, इस लड़की के अंदर एक क्रिमिनल छिपा है जो उसे इस तरीके की हरकत करने पर मजबूर करता है, कभी चोरी कभी किडनैपिंग का नाटक। और अगर तुम नहीं समझी ना तो कुछ नहीं हो सकता, यह स्थिति और बिगड़ेगी। रिपिका? हाँ, हूं मैं क्रिमिनल, सही कह रहा है ये। मुझे कुछ लोगों के पैसे देने थे और वो मेरी जान के पीछे पड़े थे। तुझसे सीधे सीधे पैसे मांगती तो तू कभी नहीं देती, इसलिए ये तरीका अपनाना पड़ा। तुझे तो यही लगता है ना कि मैं पैसे ऐंठने आई हूँ? तो उस दिन पुलिस स्टेशन से छुड़ाया क्यों मुझे? संडे देती वहीं पर। कृतिका, राजी छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए राजी मुझे। कृतिका मेरे पास, तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो कृतिका? नहीं बस, क्यों झूठा प्यार दिखा रही है आंटी? अभी तो अपने पति की सगी है, बचपन में छोड़ नहीं दिया था तूने मुझे उसके लिए, अब क्या फायदा? बेटा बस मैं जा रही हूँ। कृतिका नहीं बेटा, बस कर ये नाटक, मान जा अपने पति की बात, फायदे में रहेगी। कृतिका बेटा मैं नाटक नहीं कर रही, तुम नहीं जानती कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती हो। मैं तुम्हारे यहाँ के हाथ छोड़ती हूँ, भूल जाओ इन पैसों को, तुम्हें किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस ये शहर अपने मन से निकाल दो कृतिका, प्लीज। सिंधे जी, आप इसके हाथों की कठपुतली बन सकती हैं, मैं नहीं बनूंगा, मुझे सही फैसले लेने होंगे। बस मिस्टर खुराना, बस बहुत कह लिया आपने और बहुत फैसले सुन लिए मैंने आपके, लेकिन आपको मेरे और मेरी ममता के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका मेरा खून है, आपका नहीं है, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है। आप
आपको सिर्फ अपने वो 4 लाख रुपए दिख रहे, लेकिन मुझे मुझे मेरी बेटी की फिक्र है। आप खून की बात कर रही हैं? अगर इसकी जगह पर सिड होता तो भी मैं वही करता जो मैं इसके साथ कर रहा हूं। औलाद के प्यार ने आपको अंधा कर दिया है। अंधी ममता का अंजाम जानती हैं आप? महाभारत, महाविनाश। तुम अपनी शर्ट उतारो। भी? शर्ट उतारो मतलब? कमाल करती हो यार। बंदा अभी-अभी बॉम्ब ब्लास्ट से बचकर आया है। बहुत ऐसे थोड़ा फ्रेश होने की, रिलैक्स होने की जरूरत। मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? फिर कब? हो गया ड्रामा? शर्ट उतारोगे अभी? दवाई लगाने। दवाई लगानी? कैसे लगाओगी? हाथों से या फोटो से? अभी तो सिर्फ टॉवल्स। हाउ बोरिंग। सिट डाउन। रोशनी, रोशनी यहां देखो। अरे मेरा बच्चा रोशनी, क्या हो गया रोशनी? मैं तुम्हारे सामने हूं, देखो बिल्कुल ठीक हूं। तो फिर क्यों यहां सो यार? सिद्धार्थ, मुझे हमेशा लगता था कि मिडिल क्लास लाइफ कितनी अच्छी होती है। सब परफेक्ट होते पर ऐसा है। पहुंचो ना सिद्धार्थ, आज कितने सारे लोग अपने घरों से कितने प्रॉमिसेस करके निकले होंगे, पर हर कोई घर वापस तो नहीं आया होगा। उस भीड़ में तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसा लगा मैं अपनी रूह खो रही हूं। प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़ना सर। प्लीज नहीं छोड़ूंगा रोशनी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पता है, आज जब मैं अपना हौसला खो बैठी थी ना, जब मेरा विश्वास मरने लगा था, तब आज पहली बार मेरी माँ मेरे साथ ही सदा। उन्होंने मुझे टूटने नहीं दी,
भी करने नहीं दी। आज मैंने रियलाइज किया कि एक माँ का प्यार कितना स्ट्रॉन्ग होता है, कितना उसे खुद देता। कमाल के खेल खेलते हो भगवान आप भी। यहाँ तक का काम आपने कर दिया, अब आगे की मुझ पे छोड़ दो। सच कह रही हूँ कमिश्नर साहब, आपने इतनी मदद की है, सीरियसली इट वॉज इम्पॉसिबल अदरवाइज। हाँ जी, हाँ ठीक है, लेट्स मीट सून। हाँ जी, मैं आपको फोन करती हूँ। ओके, यू सी यू, बाय। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? एक हक। क्या बात है, सुपर। बस सुपर, एक और कदम, एक आखिरी स्टेप। एक बार आपको ये पता चल गया कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी खुशियां, ये छोटे छोटे पल, यही जिंदगी को मतलब देते। बस एक बार ये हो जाए तो मैं अपने झूठ से आजाद हो जाऊंगा। बस सेट, अब इस परिवार के लिए खुशियों की दिल्ली ज्यादा दूर नहीं। आओ, आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? सासू माँ, I'm so sorry, ये ड्रेसिंग के चक्कर में देरी हो गई। बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। एक्सप्लेनेशन मांगी मैंने तुम। वैसे हम लोग चले, हमें भी लेट हो रहा है। चल, तुम कहाँ जा रहे हो? पिकनिक पे नहीं जा रहे हम, ये अलीबाग नहीं है। सासू माँ, मैं तो आपके साथ ऑफिस चल रहा था ना, वो मैंने बताया ना आपको, वो ड्रेसिंग की वजह से डिले हो गया, मैं कल से ध्यान रखूंगा। हाँ, कल से टाइम पे आ जाना। अब जाओ, आराम करो, जाओ। सैलरी नहीं काटूंगी तुम्हें। Disgusting, will you stop this? नहीं, मैं कान साफ कर रहा था, लगता है नहाते वक्त पानी वानी घुस गया अंदर। मुझे अतरंगी अतरंगी चीजें सुनाई दे रही हैं। क्या कहा आपने? ओवर स्मार्ट बन रहे हो। जाओ आराम करो, कल ऑफिस चल लो। Let's go. हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, सिद्धार्थ अभी बिल्कुल ठीक है। मैं कल रात को ही आप लोगों को फोन लगा रही थी, पर ना माँ का फोन लगा और ना आपका। सॉरी बेटा, माफ कर देना हमें, इतनी बड़ी बात हो गई, मेरे बच्चे मुसीबत में थे और मैं एक फोन तक नहीं कर पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रोशनी पुत्र, प्लीज मुझे माफ कर दे। पापा प्लीज,
आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? Roshni, you will not believe it. तुम्हारी मॉम ने मुझे छुट्टी दे दी यार. अब फटाफट मेरे लिए कड़क सी चाय बना दो. किससे बात कर रही हो? पापा से. बात करो. ओ पापा जी, कितने आप तो अपने बेटे को भूल ही गए. कल कुछ हो जाता मुझे उस एक्सीडेंट में तो. सॉरी सेठी यार, वेरी सॉरी. मैं तेरा हाल चाल ही नहीं ले पाया. चोट वगैरह तो नहीं लगी ना तुझे? हाँ हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? सर कैसे बात कर रहे हो? पापा ऑलरेडी इतने गिल्टी है. डैड डैड, मैं मजाक कर रहा था. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे. क्या हुआ? मेरी फिक्र मत कर तू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा सुन, तू मुझे 12 बजे होटल पे मिल. मुझे तुझसे मिलना है. एक बार तुझे देख लूंगा ना तो तसल्ली हो जाएगी. फिर यार मैं आ जाऊंगा. आप ख्याल रखिए अपना. बाय. राजी, क्या हुआ? आप किससे बात कर रहे हैं? मेरे बेटे के साथ. सब ठीक तो है ना? सिद्ध को कुछ हुआ तो नहीं है ना? की फर्क पैंदा है. अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं की फर्क पैंदा है? बिल्कुल फर्क पड़ता है. मुझे बेटा है वो मेरा. जानती हूँ मैं कि आजकल मैं कृतिका की देखभाल में बिजी हो गई हूँ क्योंकि उसे मेरी जरूरत है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सिद्ध को प्यार नहीं करती हूँ. अगर सिद्ध के लिए तुम्हारा प्यार होता ना तो तुम उसे फोन करती, उसका हालचाल पूछती. आपको मालूम है सिद्ध के साथ क्या हुआ है? कल जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ है, सिद्ध उसी ट्रेन में. क्या? एक टाइम था उसे थोड़ी सी खरोच आ जाती थी, आप घर को सर पे उठा लेती थी. मौत के मुंह से निकल कर आया वो. तुमने एक बार भी फोन किया उसे? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और हर बात को आप घुमा फिरा के क्यों मुझे बोलते हैं आजकल? मुझे समझ में नहीं आता है आजकल आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं. मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल ओवर रिएक्ट कर रहे हैं आप. मेरा बेटा है सिद्ध और मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ. साले खच्चर की औलाद, तुझे कॉफी बनानी नहीं आती? रखा किसने इस घर में? कृतिका इतना चिल्ला क्यों रही है? कृतिका, तुम ठीक नहीं कर रही हो सिमी. दो बच्चों के बीच में फर्क करके तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो. ये करे है भाई, बावड़ा हो गया के? हीरा कहते हैं मियां, इसे हीरा. आले, एक ही बार में तेरे सारे गम और दर्द खत्म. हीरा तेरे अंदर जाएगा और तेरी सारी हथड़ियों को एक ही कदम काट देगा. फिर जो तू इतनी महंगी शराब पीकर अपना कलेजा जला रहा है उससे तू बच जाएगा. शराब कैसे न पीऊं गफूर भाई? और साली बुढ़िया के तो तेवर बिल्कुल ही बदल गए. समझ ना आ रहा कि क्या करूं. इसलिए तो तन्ने बुलाया है मैंने. योर डीडी के साथ ना कोई चाल काम ना आवेगी. मामला थोड़ा पर्सनल होना चाहिए क्योंकि खुंदक जितनी पर्सनल होगी उतनी ही खतरनाक होगी दुश्मनी. बात समझ आई गफूर भाई? समझ में आई बात. ये चेन मैं उस दिन से लेकर घूम रहा हूं मियां, जिस दिन उस औरत की वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया. जो डायमंड की ज्वेलरी तुम बनाते हो वो औरतों के पहनने के लिए ही बनाते हो ना, तो कायदे से देखा जाए तो तुम औरतों के लिए ही काम करते हो. तो फिर मुझसे इतना चिढ़ते क्यों? क्योंकि एक औरत होकर मैंने अपनी मेहनत से आधी से ज्यादा मार्केट पर कब्जा कर लिया और मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा. इसी चेन से उसे कुत्ते की तरह बांधूंगा मैं. घायल शेर एक बार छोड़ सकता है लेकिन यह कहोर नहीं. दीदी, औरत